नगर निगम के बाहर मौजूद हूँ। अभी तक विधायकों के घर का घेराव करने के लिए बैरिकेडिंग होती थी, लेकिन आज सुरक्षा के अंदर नगर निगम की बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस मौके के ऊपर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जेंट्स नहीं, आज महिला पुलिस आ गए हैं, हाथों के अंदर सेफ्टी ड्रेस, डंडे और उसके साथ में हेलमेट मौजूद है। तो मोर्चा को लीड कर रही है इंस्पेक्टर सरोज मैडम। और फिलहाल नगर निगम को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और यह लगाई क्यों गई है, यह एक बड़ा सवाल है। इधर आप देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की एक बड़ी टीम यहां पर आ चुकी है और लगातार एक ही नारे लगा रहे हैं कि हमको पक्का किया जाए। फिलहाल महिलाओं को समझाते हुए इंस्पेक्टर सरोज मैडम की आप आगे ना आए और फिलहाल रोड को खाली कर लीजिए। फिलहाल रोड को खाली करवाने के लिए मैडम ने यहाँ पर ऑर्डर कर दिए हैं, आप एक साइड में खड़े होकर प्रदर्शन करते रहिए, लेकिन फिलहाल रोड को बंद मत कीजिए। ठीक है मैडम, अभी क्या अपील की गई है? ये कुछ नहीं, रोड साइड पे हम रास्ता खाली नहीं करेंगे। प्रशासन का अधिकार है रास्ता खाली करवाना, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम अड़े रहेंगे सरकार से आमने सामने की टक्कर लेने का। अगर आप खाली नहीं करेंगे, प्रशासन कह रहे हैं कि खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर FIR हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, FIR होने दो, हमें कोई परवाह नहीं FIR की, टर्मिनेट करें, FIR करें, फांसी तोड़े, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। पुलिस प्रशासन की बातों को दरकिनार कर दिया गया है। महिलाएं यहाँ पर रोड के बिल्कुल बीचों बीच बैठ चुकी है। आप ये बड़ी लाइव तस्वीर है सरसर के नगर निगम के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है वो जमीन के ऊपर ही बैठ गई हैं और अपने आप को पक्का करने की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर लेकर ये इन महिलाओं ने अपना मोर्चा जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। और इस साइड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, उससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो बैरिकेडिंग तैनात है और उससे भी आगे गेट को बंद कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने नगर निगम के अंदर नहीं जा पा रहा है और ना ही व्यक्ति बाहर आ पा रहा है। ये बड़ी तस्वीरें आप हिसार शहर से देख पा रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि क्या इनको पक्का किया जाएगा। फिलहाल आंदोलन तो है जो वो लगातार चलते ही रहते हैं, लेकिन फिलहाल एक धरना जो है वो किसानों का भी इनसे पहले का चल रहा है, PTI का धरना इनसे पहले का चल रहा है और इनको पता नहीं अब पक्का करने की मांग जो है वो सरकार तक पहुंचेगी या फिर सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे बच्चे भूखे हैं और प्यासे हैं और ना हमारे सिलेंडर भी खाली, बच्चे भी भूखे और हमारी भी कोई वेतन नहीं है, जो सिविल सर्विस में भी काम नहीं चल रहे। तो आज क्या मांगे रख रहे हैं आप? यही मांग है कि हमें सरकारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। नहीं, सरकारी घोषित करने से मतलब है या तनख्वाह बढ़वाने से मतलब है? हो सकता है सरकारी घोषित कर दिया जाए, तनख्वाह इतनी रखी जाए, फिर संतुष्ट हो जाएंगे आप? नहीं, हमें JVT जो टीचर लेते हैं इतनी तनख्वाह दो और सरकारी बनाओ, जीता मैं पहले सुकून लगाऊंगी, नहीं लगाते कोई बस। जी जी क्या कहेंगे? कहना यो है जी, हम भी रोड पर घूम घूम के परेशान हो लिए और हमने भी मारी मांगे मान ले हुए या सरकार और हम भी अपना काम शुरू कर दे। हम तो यही बात, इतना भी जल्दी हो सके सरकार हमारी मांगे मान ले हुए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, न्यूनतम वेतन लागू करे और हम अपने सेंटर में अपने काम लगा। अरे ये धरना कितना लंबा चलने वाला है पता है नहीं जी। पुलिस प्रशासन ने आपसे अपील की थी कि रोड को खाली कर दीजिए, एक साइड में आप बैठ जाइए, रोड को बंद करना जो है वो गलत है। हम रोड पे आना ही नहीं चाहते, हम तो अपने सेंटर में जाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार भेजे जब ना, ये हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, निजीकरण बंद कर दे, जो NGO बीच में फंसा दिया, ऐसा क्या काम मारा है? हम तो सोशल वर्कर हैं, हम काम हमेशा लेडीज फर्स्ट का नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट 1% भी नहीं, बेटी तो रोड पर, हम भी किसी की बहन बेटी। हाँ, रोड पर शिक्षा इसने बंद कर दी सरकार ने, ये बहनों का शोषण यहाँ करने लग रही, कहा लड़कियाँ सेफ है? शिक्षा कहाँ बंद कर दी, शिक्षा तो खूब मिल रही है। या शिक्षा के हम रोड पर शिक्षा दे रहे हैं क्या? हम भी टीचर हैं, आंगनवाड़ी के हम टीचर, हम भी शिक्षा देते थे, लेकिन आज भी हम देने को लिए तैयार है, लेकिन सरकार हमारी मांगे मानना जब ना। हम तो सरकार को कह रहे हैं कि हम रोड पर नहीं आना चाहते,
हमें हमारा निजीकरण बंद कर दो। लगता है अब आप नगर निगम के सामने बैठे किससे मुलाकात करने के लिए आए हैं? हमको तो श्रद्धा ना हमारे मेयर साहब से। जी क्या लगता है मुलाकात हो पाएगी आपकी? होना चाहिए, हो पाएगी, क्योंकि हम अपनी मांगों के लिए आए हुए हैं। और कोई भी अगर हमारा मुखिया होता उसके पास जनता का हक है कि वो अपनी मांगों के लिए अपने मुखिया के पास जाए, तो हम हमारी मांगों के लिए आए हुए। नगर निगम का घेराव जो है वो इन महिलाओं ने किया था और मुलाकात करनी चाह रहे थे मेयर गौतम सरदाना जी से, और मौके के ऊपर मेयर गौतम सरदाना जी यहाँ पर मौजूद हैं इन महिलाओं से बातचीत करने के लिए। मेयर साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फोन करा था घर बैठ के आराम से कर लो। नहीं जी, इनको कौन बताएगा? कल इलाहाबाद इसीलिए चला कि भी आपका मैसेज मिल गया था। आप ये बताओ 2018 में भी आपने आश्वासन दिया था हमें। तो मना कर लग रहा हूँ, देव तो सही क्या है, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। आश्वासन तो कागजों में बीच में रह गया जी, कागजों में रह गया, कागजों में रह गया, दोबारा फिर होना आ गया सरकार, उसे सरकार में ये आंगनबाड़ी आज आश्वासन आप दोगे? आप मैंने सिर्फ आपको ये कहा जो देने आए मांग पत्र तो दो, देंगे। आप पहले ये बताओ आप ये करोगे क्या? अठारह बारह बताओ ना क्या करा आपने 2018 आपकी सरकार ने क्या करा? तो आज जो मिलने आए हो दे दे मांग दे दे मांग बता दे। दो हजार अठारह में सत्ता में नहीं था मैं। नहीं आप से बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी मांग बात सुनो। 2018 में भी आप पार्टी के थे, तब भी आपने आश्वासन दिया था। भूल ही रहे हो सारा के लिए ना, 2018 में तारागल बैठा करता था पार्टी में, किसी में तो थे ना। भूल तो तम रहे हो, मैं थोड़ी नहीं वो ड्रामा था जी, वो ड्रामा था। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो दिखाने के लिए ड्रामा था। मैंने कभी कहा कि मैं नहीं आया था, मैं नाट्य हूँ, मैं नाट्य हूँ क्या आपके बीच में? चलो ठीक है, पिछला छोड़ो, आप दिखाओ। अब हम देंगे तो आप क्या करोगे पहले वो तो सही, पहले नहीं पहले आश्वासन पढ़ के ही बताऊंगा, देखेंगे मांग पत्र जो है वो सौंपा है। फिलहाल मांगे जो है इसके अंदर काफी मांगे यहाँ पर लिखी गई हैं। हरियाणा प्रदेश के वर्करों व हेल्परों की निम्न मांगे काफी लंबे समय से लंबित जो है वो चल रही हैं, इन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए। 10 मार्च 2018 को यूनियन के किए गए समझौते के अनुसार श्रमिक का दर्जा का वायदा जो है वो लागू किया जाए। भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में 1500 रुपये वर्कर तथा 750 हेल्पर का मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। सुपरवाइजर के सभी पदों को वर्कर्स की सीधी भर्ती की जाए। अभी मेयर साहब से बातचीत कर लेंगे कि इसके बारे में क्या कहेंगे। इन मेरी बहनों ने जो मुझे आज ये मांग पत्र सौंपा है माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी के नाम, और कमलेश ढांडा जी के जो ये जितनी भी इनकी मांगे हैं, मैं इन मांगों को कमलेश ढांडा जी तक पहुंचाने का काम करूंगा, और जो इनकी बातचीत हो जाए उसके लिए मैं प्रयास करूंगा पूरा, यही आपको कह सकता हूं। काफी मांगे इसमें लिखी हुई हैं, क्या लगता है सर वो सरकार मांगे पूरी करने का काम करेगी? देखिए सुनिए सुनिए, नगर निगम ने एक, मैं 2018 में भी इनके साथ था, 2018 में मैं इनके धरने पर खुद गया था, और मैंने इनको कहा था जो आपकी जायज मांगे हम बिल्कुल साथ हैं। आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो भी इनकी मांग है, क्योंकि काम ये माननीय मंत्री महोदय का, मुख्यमंत्री जी का, और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका होता है, तो उन तक इनकी बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा। तो यानी कि आप मीडिएटर का काम करेंगे? और इसमें मेरा जो मेरी तो नगर निगम की सरकार है, अगर नगर निगम की कोई भी मांग है वो मैं इनको अपने जो मेरे स्तर की है मैं पूरी करने की पूरी, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई नगर निगम का काम हो जो इसके माध्यम से जो जो इनका जो मध्यस्थता का मामला है कि मुझे जो इन्होंने जो काम सौंपा है उस काम को पूरा करने की मैं पूरा प्रयास करूँगा। मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा जो, क्योंकि देखो एक जो इनकी मांगे हैं कि मैं तो एक ही समझ आई अभी जो शुरू से मेरे को पता, अभी पढ़ी नहीं मैंने, ये पढ़ के इसका भी हल बताऊँगा। जो इन्होंने कहा है कि एक सरकारी कर्म जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, वो मेरा पर्सनल यूज़ में बता सकता हूँ कि इनको ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी तरह ही ये काम करते हैं, उसी तर्ज पर ही, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंगें भी होती हैं जब एक योग्यता के आधार पर उसी तरीके ही होती हैं। तो इनकी जो मांग है ये जायज़ है कि मैं निजी तौर पर भी लिख के भेजूँगा कि भी इनका जो है मांगे जायज़ है, इनको भी दर्जा उस तरह देना।